तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पिजन का मेडिकल ट्रीटमेंट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं PMV पैरामॉक्सी वायरस के बारे में, यानी कि सिंपल भाषा में जिसको बोल सकते हैं गर्दन तोड़, लकवा और ये सारा कुछ। तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में आगे चल के, तो हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुणाल आपके साथ। और मेडिकल ट्रीटमेंट सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने लगे हैं PMV के बारे में, यानी कि पैरामॉक्सी वायरस के बारे में, जो कि कबूतरों में गर्दन तोड़ और लकवे का मेन रीज़न होता है। लेकिन इसके बारे में आगे जानने से पहले, जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसको दबा दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। मैं ये सब्सक्रिप्शन अपील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेडिकल सीरीज़ है, मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उतने जानवर बचेंगे और उतना ही सबको बेनिफिट होगा। खैर, अब वीडियो की तरफ आगे चलते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में हम इंडिया में रानीखेत बोल लेते हैं, या फिर PMV तो इंग्लिश में बोलते हैं, या लकवा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये फैलता किस रीज़न से है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, PMV पैरामॉक्सी वायरस, ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि पैरामॉक्सी नाम का एक वायरस इसको स्प्रेड करता है। और ये होने के सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमारा कबूतर जो है अपनी गर्दन घुमा लेता है पीछे की तरफ, दाना वगैरह चुग नहीं पाता और दड़बे के दड़बे ये बीमारी साफ करती है। जो लोग कबूतर पालते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। तो इस बीमारी का जो बेसिकली क्या है दोस्तों, वायरल डिजीज़ का कोई ऐसा स्टोर नहीं होता, वो अपना टाइम स्पैन लेके ही ठीक होती है, लेकिन प्रिवेंशन होता है। बैक्टीरियल डिजीज़ का जो है कोई वैक्सीन नहीं आती, वो होने के बाद हमें एंटीबैक्टीरियल लेनी पड़ती है। लेकिन वायरल डिजीज़ का सबसे बढ़िया हमारे को प्लस पॉइंट एक मिलता है, मोस्टली जितनी भी वायरल डिजीज़ है उनकी वैक्सीन्स आती हैं, अगर हम उनको पहले ही लगा दें तो वो जो बीमारी है वो हमारे को नहीं होती। जैसा कि आप देखते होंगे इंसानों में भी, छोटे बच्चों को छोटे होते ही वैक्सीन लग जाती है कई चीज़ों की, जिससे बड़े होकर उनको वो बीमारियाँ नहीं लगती। तो उसी तरीके से इसके अंदर एक रानीखेत का इंजेक्शन आता है, उसको रानीखेत बोल सकते हैं, लसोटा के नाम से भी आता है। रानीखेत और लसोटा बेसिकली ये दो स्ट्रेन होते हैं इसके। आपके यहाँ पे जो भी वेटरनरी की दुकान होगी, या अगर वेटरनरी की दुकान नहीं है तो आपके घर के आसपास कोई पोल्ट्री फार्म्स होंगे, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि लकवे की वैक्सीन हमें कहाँ से मिलेगी। तो लगानी कैसे है वो दुकानदार आपको पूरा समझा देगा अच्छे से। इसकी ओरल डोज आती है, PMV की ओरल डोज आती है, लरानी खेत की उन्हें बोलना, पानी में पिलाने वाली चाहिए, तो वो पानी में पिलाने वाली आपको वैक्सीन दे देंगे। हर 6 महीने में अगर आप अपने कबूतरों को ये वैक्सीन पिलाते रहेंगे, रानी खेत की वैक्सीन, लसोटा की वैक्सीन, दोनों की फ़ोटो आ रही है यहाँ पे, आप देख लें। अगर ये हर 6 महीने में अपने कबूतरों को आप पिलाते रहेंगे तो ये बीमारी आपके दड़बे में कभी आएगी ही नहीं, पहली बात। तो इन केस अगर बीमारी आ जाती है तो इसका बड़े सारे लोग बोलते हैं कि इलाज है, कई लोगों ने डाला भी हुआ है, तो आप उनका ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ऐसे मानता हूँ कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कबूतर जो है टाइम के साथ ही ठीक होएगा। तो उस केस के अंदर सबसे पहले तो आप काम करें, जो आपके कबूतर इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको किसी अलग जगह पर रखें दूसरे कबूतरों से, ताकि ये बीमारी फैले ना, ये बहुत जल्दी फैलती है पीने के पानी से। उन कबूतरों को आप अलग जगह पर रखें, उनको अलग जगह पे रखने के बाद में आप उनको, जब तक वो खुद खाने लायक नहीं होते, डेली हाथ से खाना दें। प्लस हर एक कबूतर को डेली एक बूंद विमराल और एक बूंद ब्रूटोन जरूर दें, उससे क्या होगा कि उनके अंदर थोड़ी ताकत बनेगी बीमारी से लड़ने की। और भगवान ने चाहा तो वो प्रॉपरली ठीक तो नहीं हो पाते मेरे हिसाब में, लेकिन वो खुद दाना पानी खाने लायक ज़रूर हो जाएंगे और आप उनको ब्रीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि अगर आप लसोटा की वैक्सीन हर छः महीने में एडमिनिस्टर करें इसको, तो आपके जो कबूतर हैं इस बीमारी से बचे रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।